लोकसभा चुनाव की सरगर्मियों और सियासी उठक पटक के बीच सूबे के मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर बीआरसी पुरुषोत्तम से भेंट की। इस दौरान कांग्रेस के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी को बद्रीनाथ और मैंगलोर विधानसभा उपचुनाव को लेकर ज्ञापन सौंपा है। कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने कहा है कि जो चुनाव संविधान के तहत 6 महीने के भीतर होने थे वह किसी कारणवश वर्तमान में चल रही चुनाव प्रक्रिया में शामिल नहीं हो पाया है। कांग्रेस ने चुनाव आयोग से मांग की है कि वर्तमान में चल रही चुनाव प्रक्रिया में इन्हें सम्मिलित किया जाए। देखिए, मंगलौर में उपचुनाव प्रस्तावित था 30 अक्टूबर को। वहाँ के जो प्रत्याशी रहे थे उस समय के जो निर्वाचित विधायक थे सरबत करीम अंसारी जी का इंतकाल होने के बाद, और उसकी ड्यू डेट बैठी है 6 महीने के अंदर संविधान के तहत चुनाव हो जाना चाहिए, लेकिन किसी कारणवश वो उसमें सम्मिलित नहीं हो पाया जो वर्तमान चुनाव प्रक्रिया चल रही है। हमने निर्वाचन आयोग से मांग की है कि मंगलौर के उपचुनाव को भी इसी में सम्मिलित किया जाए, साथ ही बद्रीनाथ का भी जो उपचुनाव होना है उसको भी इसी प्रक्रिया में सम्मिलित किया जाए, भले ही वो आप फर्स्ट फेज में ले या सेकंड फेज में ले। ये मांग हम दोनों जगह पर उपचुनाव कराने के मांग हमने चुनाव आयोग के समक्ष रखी। कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने चुनाव आयोग से यह भी मांग की है कि मैंगलोर और बद्रीनाथ उपचुनाव को पहले फेज या दूसरे फेज में कराया जाए जिससे मैंगलोर और बद्रीनाथ उपचुनाव हो सके। वहीं मुख्य निर्वाचन अधिकारी सी पुरुषोत्तम ने कांग्रेस को आश्वासन दिया है कि उनके ज्ञापन पर विचार किया जाएगा।